हाई माई ब्यूटिफुल पीपल आई वेलकम यू ऑल इन दिस सुपर अमेजिंग वर्कशॉप ऑफ एस्ट्रो एस्ट्रोडाइज डिविनेशन सो लेट्स बिगेन विद द वर्ड एस्ट्रो एस्ट्रोडाइज डिविनेशन एस्ट्रो इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से इसका संबंध ज़रूर है डाइसइज दीज ब्यूटिफुल डाइस जिसको हम पासा कहते हैं जो आपने देखा होगा अगर आपने मेरे साथ मोक्ष पट किया तो उसमें भी हमने एक डाइस को यूज़ किया बचपन में हम जो गेम खेला करते थे दैट वाज लूडो लूडो का जो डाइस हुआ करता था डेफिनेटली लेकिन फ़र्क क्या है लूडो के डाइस में और इन डाइसेस में ऐसा क्या है जो डिफरेंट आएगा आपके लिए नंबर्स तो इसमें भी थे लेकिन क्या डिफरेंस है ये जो हमारा एस्ट्रो डाइस है इसमें ट्वेल्व साइड्स हैं बारह साइड्स हैं सबसे ब्यूटिफुल चीज़ ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल से शेप में है ट्वेल्व साइज है इसकी ठीक है देर आर थ्री डिफरेंट डाइसेस एक डाइस है जो हमारे हाउसेस को बताती है एस्ट्रोलॉजी में एक डाइस है जो हमारे सारे जोडियक्स बताती है एक डाइस है जो हमारे सारे प्लैनेट्स बताती है हो गया ना हमारा एस्ट्रोडाइस डिविनेशन एक ऐसी स्टडी जो आपको डिविनेशन से कनेक्ट कराती है डिविनेटी से कनेक्ट कराती है होलिस्टिक हीलिंग से कनेक्ट कराती है हमारे होलिस्टिक या ऑकुल साइंस से कनेक्ट करती है सो एस्ट्रो डाइज डिविनेशन ये तीनों की स्टडी इज अ ब्यूटिफुल स्टडी विच विल हेल्प यू टू गाइड योर क्लाइंट इन अ वेरी वेरी अमेजिंग पावरफुल एंड इन अ वेरी सिंपल वे बहुत ही प्यारी से मोडलिटी है एस्ट्रोडाइज डिविनेशन प्रिडिक्शन कर पाओगे यस एंड नो के कर पाओगे किसी को कोई गाइडेंस देनी है वो समझ पाओगे प्लैनेट्स के बारे में समझोगे हाउसेस के बारे में समझोगे हमारे जितने भी जोडियक्स हैं उनके बारे में समझोगे बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी का इसके अंदर हम कवर करेंगे और वो अंतरदशा और वो जो भी आप लोग मुझे क्या क्या पूछ रहे थे मुझे आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हेयर दैट यू पीपल हैव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक ने तो मुझे इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा प्रिया मैम हम क्या किसी का कंपैटिबिलिटी देख पाएंगे क्या अपने हस्बैंड वाइफ में नहीं मेरा बाबू दैट इज़ कम्प्लीट एस्ट्रोलॉजी वो ज्योतिष है वो हमारा वैदिक हमारा ज्योतिष है दैट इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ हम बात हैं जो डाइसिस के थ्रू मैं आपको नॉलेज दूंगी और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को इस डाइसिस के थ्रू जो भी आपका नंबर आएगा थ्रो करने के बाद वाइल्ड कास्टिंग द डाइस वट एवर नंबर विल बी देयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस जो भी नंबर हमको थ्रो करने के बाद नजर आएगा उस नंबर को अल्फ़ाबेट को या सिंबल को हम जब स्टडी करेंगे उसकी क्या स्टडी होगी उससे हमको प्रिडिक्शन्स मिलेंगी हम किसी को बेहतर उनके फ्यूचर के बारे में बता पाएंगे ये डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी क्या होता है बाबू जो हमारा बर्थ चार्ट से हमारी स्टडी होती है जब आपका मेरा जन्म हुआ था तो जो गैलेक्सी के अंदर एक पिक्चर क्लिक हो जाती है है ना जब हमारा जब जन्म होता है प्लानेट अर्थ पे तो वो जो पर्टिकुलर हमारा वक्त होता है जो समय होता है अद तो पर्टिकुलर टाइम सो जो गैलेक्सी में पोजीशन होती है हमारे बर्थ के टाइम पे और वो जो हमारा बर्थ चार्ट बनता है उन प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से उस बर्थ टाइम से वो होती है एस्ट्रोलॉजी उसका प्रोडक्शन करने का तरीका बिल्कुल अलग है वो हमारे बर्थ चार्ट से होता है डाइस डिमिनेशन में हम डाइसिस के थ्रू अपनी प्रोडिक्शन देंगे एंड इट इज़ मोरोलेस वेरी सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी एंड द रिजल्ट आर अमेजिंग अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहते एटलीस्ट बी एस्ट्रोडाइज प्रैक्ट अगर एस्ट्रोडाइज की बात करूँ एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज मैक्सिमम वन मंथ टाइम प्रैक्टिस करें एंड बी वेरी वेरी यू नो नाइस एस्ट्रोडाइज प्रैक्टिशनर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल और ईजी टू हैंडल कहीं भी आप जाते हैं अपने पाउच में लेके जाइए एंड यू कैन प्रैक्टिस यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स योर then comes uh, the the predictions 90 to 95 फाइव इसके results बहुत पॉजिटिव हैं सो अगर आप prediction की बात करते हो अगर आप कहते हो ऑथेंटिसिटी क्या है मैम इसकी एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करें तो देखो बाबू मैं तो ये कहूँगी क्योंकि जब मैं आपके पास वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ तो डेफ़िनेटली मैंने कुछ अच्छा देखा होगा तभी मैंने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परफेक्शन है एस्ट्रोलॉजी की तरह इसमें भी येस एंड नो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है येस एंड नो का भी आपको टैरो में भी बहुत हेल्प मिलेगी जिसको भी आप टैरो रीडिंग देते हैं उनको साथ में एस्ट्रोडाइज डिविनेशन का ये ज़रूर दीजिए उनको एक सेशन छोटा सा इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्लाइंट्स